This is Shivam Info Media and Open Broadcasting Services, a venture of Shivam Group, and you're watching Local TV, the news of your doorstep. नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल Local TV पर. आज की तारीख है 15 नवंबर 2022. मैं कीर्ति और मेरी साथी पापिया लेकर आए हैं कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार. समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले पापिया के जरिए जानते हैं समाचारों की हेडलाइंस. राशन के चावल की तस्करी जारी. 21 तारीख को आरएस प्रवीण कुमार का आसिफाबाद में कार्यक्रम, पुलिस वर्सेस बीजेपी. एक ही हफ्ते में टूट गया नया ड्रेनेज. कपास के खेतों में जंगली सुअरों का उत्पात. कागज नगर में ECHS मेडिकल फैसिलिटी की मांग. इंटर के एग्जाम फीस जमा करने की प्रक्रिया शुरू. तो आइए दर्शकों जानते हैं समाचारों को विस्तार से. राशन के चावल तस्करों को पकड़ने का सिलसिला लगातार जारी है. आज कोटाला मंडल के मुत्तमपेट में पुलिस की टास्क फोर्स ने 650 किलो चावल पकड़ा. इसकी कीमत करीब 75,000 रुपए बताई जा रही है. इसे तस्करी के जरिए महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था. इतने बड़े चावल घोटाले के नजर में आने के बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर चल रही चावल की तस्करी से प्रशासन परेशान दिखाई दे रही है. लाख प्रयास रोकने के बावजूद आज भी उत्तरी तेलंगाना में तस्करी जारी है. बहुजन समाज पार्टी यानी BSP अपने राजनीति के चरम पर काम कर रही है. BSP के तेलंगाना राज्य प्रेसिडेंट डॉक्टर RS प्रवीण हर जिले के दौरे पर है. हर जिले की रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद वो जिले की समस्याओं को लेकर मैदान में उतर रहे हैं. इस महीने की 21 तारीख को प्रवीण हमारे जिला केंद्र आसिफाबाद पहुंचने वाले हैं. ये सूचना BSP के तेलंगाना राज्य सेक्रेटरी सेडाम गणपति ने दी. एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने BSP नेता अरशद हुसैन के साथ ये सूचना प्रेस को दी. प्रधानमंत्री अपने कार्यक्रम के अनुसार रामगुंडम आए, ऐसे में पूरे उत्तरी तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम ने चलो रामगुंडम का आह्वान किया था. जैसे ही हर जगह से भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने रामगुंडम का रुख किया, उन्हें तेलंगाना पुलिस ने रास्तों में रोकना शुरू कर दिया. कई जगह मामला हाथापाई तक चला गया. भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मोदी जी की सभा फेल करने के लिए मुख्यमंत्री KCR और तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद अली ने ये षड्यंत्र रचा है, जानबूझकर ये सब किया गया है. लेकिन भाजपा कार्यकर्ता न थकेगा, न डरेगा और न ही हारेगा, चाहे जितने ही कष्ट झेलने पड़ जाए. ये है कागज नगर से सटे भटपल्ली का पंचायत भवन. सभी की नजरें यहीं टिकी हैं. लगता है कि अंदरवेली और भटपल्ली गाँव को श्राप लग गया है. भटपल्ली पंचायत के अंदर आने वाले GD चेनू इलाके में 12 लाख रुपए खर्च करके नया ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया था. ये पैसे पूरे के पूरे स्वाहा हो गए, क्योंकि ये ड्रेनेज बनने के ठीक हफ्ते भर में ही टूटकर बिखर गया. इस घटना के बाद स्थानीय लोग अचंभे में पड़ गए हैं. ड्रेनेज बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और पंचायत अधिकारियों को लोगों ने घेर लिया है. सभी पूछ रहे हैं कि क्या इसी काम के लिए पंचायत से पैसे निकाले जा रहे हैं. विपक्ष के लोग भी इस मामले की हाथों हाथ खबर लेने में देर नहीं कर रहे हैं. हमारे जिले की जान बस्ती है कपास की खेती में. यही सीजन है जब कपास की फसल अपने चरम पर है, लेकिन किसानों को एक भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. वो है जंगली सुअर. लगातार खेतों में जंगली सुअरों का प्रकोप देखने को मिल रहा है. आए दिन सुअर खेतों में घुसकर मिट्टी खोदकर और फसल उजाड़कर चले जाते हैं. इसी से किसानों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है. बड़ी मुश्किल से लगाई खेती की चंद घंटों में उजाड़ रहे सुअरों के ऊपर वन विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग किसान उठा रहे हैं. पिछले 10 तारीख को आदिलाबाद में रिटायर्ड फौजियों की बैठक हुई थी. इस मीटिंग में मुख्य अतिथि के रूप में हैदराबाद से सैनिक वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर रिटायर्ड कर्नल श्री P रमेश कुमार जी आए थे. कागज नगर के एक सर्विसमैन एसोसिएशन ने रमेश जी के सामने एक प्रस्ताव रखा जो कि पूर्व सैनिकों को मिलने वाली ECHS मेडिकल स्कीम से जुड़ी थी. पूर्व सैनिकों को मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए हैदराबाद जाना होता है. इससे काफी सैनिकों को परेशानी उठानी पड़ रही है. जिले के
किसी अच्छे और बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ECHS की सुविधा मिलेगी तो उन्हें हैदराबाद तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे उन्हें बेहद सुविधा मिलेगी। साथ ही कागजनगर के एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के कार्यालय के लिए एक जमीन के लिए उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। रमेश जी ने भी इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ने फीस जमा करने की नोटिस जारी कर दी है। फीस भरने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। 2 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ₹100 जुर्माने के साथ फीस भरने का मौका मिलेगा। 8 से 12 दिसंबर तक ₹500 जुर्माना लगेगा। उसी तरह 14 से 17 दिसंबर तक ₹1,000 जुर्माना लगेगा और 19 से 22 दिसंबर तक फीस भरने पर ₹2,000 जुर्माना लगाया जाएगा। फर्स्ट ईयर जनरल कोर्स के एग्जाम फीस ₹500 रहेगी। वहीं फर्स्ट ईयर के वोकेशनल कोर्स के एग्जाम फीस ₹710 रहेगी। सेकेंड ईयर जनरल आर्ट्स की फीस ₹500 रहेगी। वहीं सेकेंड ईयर MPC बाई PC और वोकेशनल की फीस ₹710 रहेगी। दोस्तों, आज के कागज नगर की खबरें यहीं तक। मिलेंगे कल वापस कुछ और नए ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा। बने रहिए यूं ही आपके अपने चैनल लोकल TV के साथ। और हमारी प्रस्तुति अगर अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।